मेरे सुन्नी भाइयों हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन लगा पढ़न हजरत ईरान दा बादशाह जिदा ना है नौशेरवान नौशेरवान नु अल्लाह ने पुत्र दिता एदा ना रखिया शहरियार शहरियार नु अल्लाह ने पुत्र दिता एदा ना रखिया हुरमज हुरमज नु अल्लाह ने पुत्र दिता एदा ना रखिया यज़द जर्द हजरत है सारे ईरान दे बादशाह नौशेरवानी ईरान दा बादशाह हजरत यज़द जर्द वे ईरान दा बादशाह शहरियार वी ईरान दा बादशाह हुरमज वी ईरान दा बादशाह हजरत जद यज़द जर्द दा जमाना आया यज़द जर्द नू अल्लाह ने दो बेटियां अता कीतियां हजरत फारस दा मजहब से अग दी पूजा करन वाले फारस दा मजहब से हजरत ईसा दा कलमा पढ़न वाले कई मजाहब फारस अंदर मौजूद सन हजरत जदों जनाब दौर आया हजरत जदों बादशाह बनिया यज़द जर्द अल्लाह ने इन्हू दो बेटियां अता कीतियां इन्हें वड्डी बेटी दा नां शाहे जनान रखिया इन्हें छोटी बेटी दा नां गिहान बानो रखिया हजरत हुण दोनों भैणा जवानी दियां सीढ़ियां चढ़न लग पईआं एक दिन जनाब जड़ी शाहे जना ने एदी अख लग गए इने ख्वाब अंदर वेखिया वद्दुहा चेहरा है वल्लैल जुल्फा ने हामीम दे कुंडल ने जड़ा सिर तो लैके पैरां तक सरा पाए नूरे शाहे जनान कहदिया ने ओदे नाल इक शहजादा है जड़ा सिर तो लैके पैरां तक नूरे जड़ा सरदार है ओदी नूरे जड़ा नाल शहजादा है ओदी नूरे हजरत मैं अपने कोलो नहीं पियांदा मेरे बरेली दे ताजदार ने दसिया फरमांदे ने तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है में नूर तेरा सब घराना الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على سيد الورى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى أزواجه و
واصحابه التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے, بلند آواز نال درود پاک پڑھیے. صلات و سارے انوچی پڑھنا چاہیے, سارے پڑھو صلات و اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے. اس میں حسنین ہیں, فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. گل سنو جنوں آؤندا ہے نا وہ میرے نال رل کے پڑھ لو. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے. اس میں حسنین ہیں, فاطمہ ہے. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. لب پہ ہیں تذکرے پلج تل کے, پھول مہکے ہیں میرے چمن کے. لب پہ ہیں تذکرے پلج تل کے, پھول مہکے ہیں میرے چمن کے. ایسا ان کے کرم نے نوازا, اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے. امتی ہوں میں شاہ زمن کا, ہوں بھکاری میں مولا حسن کا. صدقے جاؤں میں ان کی عطا کے, دینے والے نے سب کچھ دیا ہے. اور آخری شعر توجہ. کعبہ عشق کا ہوں نمازی میں, تو ان کے عنایت پہ راضی. کعبہ عشق کا ہوں نمازی میں, تو ان کے عنایت پہ راضی.
बस मेरी तुरबत पे लिखना नियाजी, पंजतन का ये अदना गदा है। अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद हुजूर नबी अकरम शफी मुअज्जम नूरे मुजस्सम हबीबे किबरिया मालिक हरदो सरा शफ़ रोज़े जज़ा नूरे ज़ाते लम यज़ल अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा दीबारगाह आलिया अंदर हदिया दरूदो सलाम अर्ज करने तो बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम डले पहली जगह रहने निहायत ही वाजिबुल एहतराम वारिसाने महराबो मिंबर अहबाब फिक्रो दानिश मसलके हक्काद अजीम उलमाए किराम नात खनाने श्री लिसान और निहायत ही काबिल एहतराम बुजुर्गो दोस्तों साथियों आज दे प्रोग्राम महफिल जिक्र सैयदना इमाम हसन मुज्तबा और सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इन दोनों शहजादियां दे जिक्र खैर वास्ते इनेकात की गई है। दुआ है कि अल्लाह ताला जिन्हां दोस्तों ने भी अज दे प्रोग्राम का अहतमाम फरमाया अल्लाह पाक अपनी पाक बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। खतीब आले सुन्नत वाइज़े शीरी लिसान मुकर्रे शोला बयान हज़रत अल्लामा मियाँ मुनाजर हुसैन कुरैशी साहेब फाजिल बेरा शरीफ आशिके मदीना आशिके मुस्तफ़ा बुलबुले बागे मदीना हज़रत अल्लामा जनाब नसीर अहमद अत्तारी साहेब और निहायत ही वाजिबुल एहतराम हाजी गुलाम शबीर भट्टी साहेब हाजी रिजवान अब्बास साहेब मोहम्मद मनशा गोलड़वी साहेब इमरान भट्टी साहेब मलक खालद हुसैन साहेब और दीगर इन्ह के जितने भी रुफका ने इन दे अजीज़ अकारब ने अज की महफल के अंदर किसी किस्म का तावुन किया जानी माली अल्लाह तमाम का अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और जितने भी अहबाब अज की महफल के अंदर दूरों नेड़ों चल के आए हो अल्लाह हर आने वाले नूं कदम कदम ते नेकियां नसीब फरमाए। मैं तुहाडे शहर च वाकियतन पहली दफ़ा आया लेकिन तुहाडे इलाके च पहली दफ़ा नहीं आया। मैं इस इलाके दे ज़ौक तो बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हाँ। मैनू नहीं पता कि तुहानू मीह ने ठंडिया कीता है या पता नहीं किस चीज़ वास्ते तुसी ठंडे हो के बैठे हो। अपने इलाके जिवें तुहाडे इलाके दा ज़ौक ना होवे कवां सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाज़ ते थोड़ी ना तवज्जो बड़ा ज़ौक है अलामा साहब इस इलाके दा। मैं वाकिफ हाँ इस इलाके तो फिर अहले बैत का जिक्र होवे ते इलाका ऐ होवे ते बंदे चुप करके बह जाना गल मन्नण च नहीं आउंदी। मैनू जिहड़ा उनवान बानिया ने महफल की तरफों मिले मैं हज़रत इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वरदियल्लाहु ताला अन्हो आप दे शहजादे गुलदस्ता इमामत दे तीसरे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन्हां दा जिक्र खैर करना है। मैं चूंकि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का मजमून मेरे हिस्से च आया है और हज़रत सैयदना हसन मुज्तबा आप का मजमून जड़ा शाह साहब के हिस्से च आया यकीनन शाह साहब मेरे तो बाद बड़े ही वालेहाना अंदाज अंदर गुफ्तगू करनी है और हर लिहाज नाल मेरे तो आला ने बरादरी के एतबार नाल भी आला ने दीनी एतबार नाल भी आला ने इलमी एतबार नाल भी आला ने ते अमली एतबार नाल भी आला ने। मैं ते यकीनन सादात दे जोड़ियां दी खाक दे बराबर भी नहीं बानियान ने इस काबिल समझिया मैं तुहाडे सामने हाजिर हाँ।
कुराने करीम फुरकाने हमीद चों एक आया मुबारिका मैं आप अहबाब के सामने तिलावत की। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इन्ना जाल ला मा अलल अर्दी जीनत लहा। फरमाया कि जदों तुसी जमीन दे उत्ते चलो फिरोगे ना ते तुहानू जमीन उत्ते फुल नज़र आउणगे, तुहानू जमीन ते बूटे नज़र आउणगे, तुहानू जमीन ते पहाड़ नज़र आउणगे, पहाड़ां तो जारी झरने नज़र आउणगे, उन्हां झरनियां तो बणदियां झीलां नज़र आउणगियां, उन्हां झीलां तो जारी दरिया नज़र आउणगे। फरमाया कि पहाड़ां दियां चोटियां तो लैके समंदरां दियां गहराइयां तक, फरमाया जितनियां भी चीज़ां तुसी जमीन दे उत्ते वेखो इन्हां चों बेकार कोई नहीं। फरमाया ए सारियां चीज़ां जमीन दी जीनत ने। फरमाया फुल जमीन दी जीनत। फरमाया इन्ना ज़य्यन्ना समा दुनिया भी जीनत निल कवाकिब। फरमाया रात जो पै जाए ना ते तारे चिल मिल करते नजर आउन। फरमाया ए तारे बेकार नहीं, ए तारे आसमान दी जीनत ने। फरमाया फुल जमीन दी जीनत, तारे आसमान दी जीनत। फरमाया अल मालो वल बनूना जीनतुल हयाति दुनिया। फरमाया माल और पुत्र दुनिया दी जिंदगी दी जीनत। थोड़ी नाली को दियो भाई जी, मैं दोबारा पढ़न लगा ते मैं आखिर ते जो नतीजा देना ना तो फिर मैं तुहाडे चेहरे वेखने ने। फुल जमीन दी जीनत, तारे आसमान दी जीनत, माल और पुत्र दुनिया दी जिंदगी दी जीनत। फरमाया या बनी आदमा खुजू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन। फरमाया ए आदम दे पुत्रो हर नमाज वेले जीनत इख्तियार करया करो। की मतलब के लबास पा के नमाज पढ़िया करो, पता चलिया लबास नमाज दी जीनत। मैं फिर पढ़न लगा फुल जमीन दी जीनत, तारे आसमान दी जीनत, माल और पुत्र दुनिया दी जिंदगी दी जीनत, लबास नमाज दी जीनत। फरमाया उजली फातिल जन्ना लिल मुत्तकीन। फरमाया कयामत आले दिन असी जन्नत मुत्तकीन नु पेश करांगे। की मतलब के जन्नत मुत्तकीन दी जीनत। तुसा गौर नहीं कीता कि असी जमीन तो टुरे हां ते जन्नत तक कपड़ गए हां। हुण मैं अगली गल करनी है ते नतीजा देना है ते तवज्जो रखिया जे। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया फुल जमीन दी जीनत, तारे आसमान दी जीनत, माल और पुत्र दुनिया दी जिंदगी दी जीनत, लबास नमाज दी जीनत, जन्नत मुत्तकीन दी जीनत। अलामा साहब असी जमीन तो टुरे ते जन्नत तक पहुंच गए। हुण मौला हसन मुज्तबा अपने मिंबर ते बैठे, आपने फरमाया अय्योहन नास नाहनो 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 जैनल जनान। फरमाया है दुनिया दिया जीनता देखन वाले हो, हमें देखो हम जन्नत की जीना। अच्छा एक गल का जवाब दो कि अगर जमीन उत्ते फुल ना होंदे तुसी चले जाओ थर पारकर दे इलाके अल, रेगिस्तानी इलाके अल जिथे रेत ही रेत है। जमीन है पर फबदी, जमीन फुलां नाल ही फबदी है। हुण अज होया ना बार बदल ते बाहर निकल के आसमान अल वेखो तारे नजर नहीं आउंदे। आसमान है पर सजदा नहीं। अगर दुनिया ते माल ना होवे, पुत्र ना होण, एक बंदा है उहदे कोल चार चार किबला कोठियां ने, चार चार गड्डियां ने, लेकिन पुत्र कोई नहीं। उहनूं जाके पुछो ते उहने कहना यार
जिंदगी तो है पर स्वाद कोई नहीं। तो जे 12 पुत्र अल्लाह ने दिते होन ते रहन जोगी कुली ना होवे तो उन्हें भी कहना है कि जिंदगी तो है पर फबदी नहीं। इहदा मतलब है माल और पुत्र ना ना होन जिंदगी तो है पर फबदी नहीं। फुल्लां तो बगैर जमीन ना फबदी, तारियां तो बगैर आसमान ना फबदा, माल और पुत्र तो बगैर दुनिया दी जिंदगी ना फबदी, लिबास तो बगैर नमाज ना फबदी। ओए कोई हरज नहीं, मैं कुरान सिर ते रख के ऐलान कर सकना के फुल्लां तो बगैर जिवें जमीन ना फबदी, तारियां तो बगैर आसमान ना फबदा, माल और पुत्र तो बगैर दुनिया दी जिंदगी ना फबदी, लिबास तो बगैर नमाज ना फबदी, मैं कुरान सिर ते रख के ऐलान कर सकना अगर अली दी जोड़ी ना ना हुंदी रब दी जन्नत हुंदी पर फबदी ना। अल्लाह दी कसम है, मैं एक और गल तुहानू इत्थे दस जाना, बंदा नमाज पढ़दा है कि जन्नत लभ जाए। जिहड़ा नाथ खां इत्थे खलो के आके ना सानू जन्नत नहीं चाहीदी, सानू तो यार दियां गलियां काफी ने, उहनू गुट्टों पढ़ के थले उहनू कह चुप थले बह। वह जिस जन्नत च असां जाणा उस जन्नत का सरदार ही साडा नबी है। जिस जन्नत च असां जाणा उस जन्नत का सरदार ही हसन ते हुसैन है। तेनू जन्नत वो नहीं चाहिए जिदे विच हसन ते हुसैन सैयदा शबाब या हलील जन्ना ने। कारी साहब ने मौलवी जन्नत नहीं चाहिए सानू, ते मर फिर क्यों इत्थे स्टेज ते नाता पढ़न डे आ। असी नमाज पढ़ने हाँ कि जन्नत लभ जाए, ते जन्नत का लालच क्यों है? उत्थे अल्लाह का भी दीदार होना है, उत्थे नबी का भी दीदार होना है, उत्थे अली का भी दीदार होना है। नमाज इत्थे इत्थे जन्नत च नमाज क्यों जी? किबला फर्ज ने जन्नत च, नमाज किथे आ? इत्थे जन्नत च नमाज नहीं। मैं हुण गल करन लगा, एक बंदा नमाज पढ़न लग पिया, उन्हें कहा दो रकत नमाज फर्ज फर्ज अल्लाह ताला दे वक्त नमाज फजर मूँह तरफ किबला शरीफ पिछे ऐसी इमाम दे अल्लाह अकबर हथ बने। उन्होंने शुरू किया सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदी कवा तबारक अस्मू कवा ताला जद्दू कवा ला इला गैरुक अलहमद पढ़ीए, सूरत पढ़ीए, रुकू जाके सुबहान रब्बी अल अजीम भी आख्या सू, सजदे जाके सुबहान रब्बी अल आला भी आख्या सू, दूसरी रकत फिर फातिहा पढ़ी, फिर नाल सूरत मिलाई, फिर सुबहान रब्बी अल अजीम भी आख्या सू, सुबहान रब्बी अल आला भी आख्या सू। हूँ बह गया तहियात पढ़ दिया तहियात लिल्लाहि वस्सलावातु बातू अत्ताहियात पढ़ के डायरेक्ट आंदा रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन जुर्रियती रब्बना व तकबल दुआ। लालियां लियो मैनू दसिया जे उहदी नमाज हो गई है? क्यों तुहाडे सदके जे पूरी पढ़ी सू लेकिन दुरूद नहीं पढ़िया तो हो ही नहीं। तो जे को मौलवी जिदी तौने च सरिया आ जाए इलम दा तो हुण पढ़ना शुरू कर दे दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद इन कमा सल्ली ताला इब्राहिम वाला अली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद इन कमा बारक ताला इब्राहिम वाला अली इब्राहिम इन। ओदा दरूद होया ओए? तू आल छड़ तेरा दुरूद कोई नहीं, तू दुरूद छड़ तेरी नमाज कोई नहीं। तेरी नमाज दी कबूलियत दा सबब मुस्तफा दी याद है। इंज दियां नमाजां मरोड़ के ना कियामत आले दिन अल्लाह ने मुंह ते मार देनियां ने जिन्हां नमाजां इच पढ़दे आं अली दे पुत्रां दा प्यार दिल च ना होया। ये गल करन लगा बड़ी मज़ेदार गल है, पढ़ना मैं जैनुल आबिदीन है लेकिन थोड़ा जिहा तुहानू मैं जमीन तैयार करा। फजर दा टाइम किबला ते मदीना शहर, जेड़े जेड़े मदीने गए हाथ चुको सा, ते जेड़े नहीं गए हुण ओ चुको।
या अल्लाह इन्हां नूं ऐसे साल मदीने दी ज़ियारत किबला मदीना शहर ते फजर दा टाइम ते दौर मुस्तफा दा ते मुअज्जन बिलाल है। बिलाल ने कन्ना च लिया उंगलियां ते बिलाल ने पढ़ी अजान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना। सारी अजान पढ़ी तुहानू भी आउंदी है, मैं पूरी पढ़ के की करनी है। बिलाल ने अजान पढ़ी, सरकार मस्जिद च आ गए ते बिलाल मसीते कोई नहीं। नबी पाक ने जमात खड़ी करवाई, किसी ने अकामत पढ़ी, सरकार मुसल्ले ते खलो गए। जदों सरकार ने सलाम फेरी ना तो पिछली साफ च बिलाल खड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल तेनू पता नहीं कि अजान देन तो बाद मसीतों बाहर नहीं जाइदा, जदों अजान पढ़िए तो जमात तक मस्जिद च रहीदा। कहिंदा हजूर मैनू पता है। फरमाया अजान की आवाज़ मैं तेरी सुनी है लेकिन जमात तो पहला गया कित्थे सै? कहिंदा हजूर जदों मैं कन्ना च उंगलां लै के अजान देनी शुरू की ना, इधरों मैं अजान शुरू की, इधरों किसी के रोण की आवाज़ आई। जदों मैं गौर नाल सुनिया तो मैनू पता चलिया रोण वाला जन्नती नौजवानों का सरदार हुसैन है। हजरत बिलाल कहते ने या रसूल अल्लाह जब मैं गौर किया मैनू पक हो गई कि रोण वाला हजरत इमाम हुसैन है। कहते ने या रसूल अल्लाह मैं मस्जिद चो बाहर निकलिया सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा आप दा बुआ खड़काया। सैयदा ने पुछया कौन है? मैर्ज की सैयदा गुलाम बिलाल आया वा। सैयदा बिलाल नू चाचू कह के बुलांदियां सन। सैयदा ने फरमाया चाचू बिलाल खैर ना लायो। मैर्ज की सैयदा मेरे कन्ना च हुसैन दे रोण दी आवाज आई है, वजह की है? सैयदा कहंदियां ने बिलाल मैं चक्की चला रही हां ते हुसैन पंगूड़े च रोंदा पिया है। नबी पाक दी बारगाह च बिलाल कहंदा या रसूल अल्लाह मैर्ज की सैयदा तुसी चक्की नू छड़ो ते हुसैन नू चुप कराओ, चक्की जाने ते बिलाल जाने। कहंदे ने या रसूल अल्लाह मैं चक्की चलान लग पिया, मैं चक्की चलान लग पिया, सैयदा हुसैन नू चुप करान लग पिया। जदो हुसैन चुप कर गए ते मैं चक्की नू छद के ते मस्जिद च नमाज च शामिल हो गया। मेरी एक रकत गुजर गई। मेरे नबी ने जदो ए जुमले सुने सरकार ने बिलाल दा बाजू पकड़ के सहाबा अंदर बुलंद करके आपने फरमाया ओए मेरे सहाबा जिन्हें जन्नत दा सरदार वेखना है ओ मेरे बिलाल वल वेख ले। बर्दाश्त नहीं करदा एक बादशाह दूजे नू बर्दाश्त नहीं करदा। कैसे सरदार ने तू इन्हां नाल प्यार कर अल्लाह कल्ली जन्नत ही नहीं बल्कि जन्नत दी सरदारी दे देगा। हजरात ऐसे आस्ते मैं गले गले नगर नगर हर शहर अंदर ऐ अकीदा पेश करना वा के मीम जाने ऐन जाने लैन जाने ते हुसैन जाने। बोलो मीम जाने
ऐन जाने लैन जाने ते हुसैन जाने। रात मेरे अल वेखिया जे जगते जी सो सौखे जी सो ती हशर दे ना औखे थी सो। जगते जी सो सौखे जी सो ती हशर दे ना औखे थी सो। क्योंकि खुल्द जाने हसनैन जाने लैन जाने ते हुसैन जाने। देखो मेरे अल तक आ जे रिस्क मंगना ही या माल मंगना ही खाली झोले चिलाल मंगना ही। रिस्क मंगना ही या माल मंगना ही खाली झोले चिलाल मंगना ही। बल सखे दे ना लैन जाने ते। आओ मेरे सुन्नी भाइयो हजरत इमामे ज़ैनुल आबिदीन लगा पढ़न। हजरत ईरान दा बादशाह जिदा नाम है नौशेरवान। नौशेरवान नू अल्लाह ने पुत्र दिता एदा नाम रखिया शहरियार। शहरियार नू अल्लाह ने पुत्र दिता एदा नाम रखिया हुरमज। हुरमज नू अल्लाह ने पुत्र दिता एदा नाम रखिया यज़्द जर्द। हजरत ऐसा सारे ईरान दे बादशाह नौशेरवानी ईरान दा बादशाह। हजरत यज़्द जर्द वे ईरान दा बादशाह। शहरयार वी ईरान दा बादशाह। हुरमज वी ईरान दा बादशाह। हजरत जदों यज़्द जर्द दा जमाना आया यज़्द जर्द नूं अल्लाह ने दो बेटियां अता कीतियां। हजरत फारस दा मज़हब से अग दी पूजा करन वाले फारस दा मज़हब से। हजरत ईसा दा कलमा पढ़न वाले कई मजाहब फारस अंदर मौजूद सन। हजरत जदों जनाब दौर आया हजरत जदों बादशाह बनिया यज़्द जर्द अल्लाह ने इनू दो बेटियां अता कीतियां। इन्हें वड्डी बेटी दा नां शाहे जनान रखिया। इन्हें छोटी बेटी दा नां गहान बानो रखिया। हजरत हुण दोनों भैणां जवानी दियां सीढ़ियां चढ़न लग पईआं। एक दिन जनाब जड़ी शाहे जना ने एदी अख लग गए। इन्हें ख्वाब अंदर वेखिया वद्दुहा चेहरा ए वलैल जुल्फा ने हामीम दे कुंडल ने जड़ा सिर तो लैके पैरां तक सरा पाए नोरे। शाहे जनान कहदियां ने ओदे नाल इक शहजादा ए जड़ा सिर तो लैके पैरां तक नूरे। जेड़ा सरदार है ओ भी नूरे। जेड़ा नाल शहजादा है ओ भी नूरे। हजरत मैं अपने कोलों नहीं पियांदा मेरे बरेली दे ताजदार ने दसिया। फरमांदे ने तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना। हजरत शाहे जनान कहंदे है मैं ख्वाब अंदर पुछया तुसी हसीना दे ताजदार लगदे हो तुसी जमीला दे शहनशाह लगदे हो। मैं तुहाडे वर्गा हसीन नहीं वेखिया मैं तुहाडे वर्गा जमील नहीं वेखिया तुसी कौन हो। हजरत शाहे जनान कहंदी है सोहनी सूरत वाला बोलिया मुस्कुरा के कहंदा है पुत्र
मैं मुसलमाना दा नबीआ, मैं रहमतुल आलमीन, मेरा नाम मुहम्मद, मैं अब्दुल्ला दा पुत्र आ। ते मैं पुछया सोणियो, अगर तुसी अल्लाह दे नबी हो तुहाडे नाल शहजादा कौन है? आपने फरमाया पुत्र ए मेरा पुत्र लगदा है, मेरा नवासा लगदा है, एदा ना हुसैन है। शाहे जनान कहंदियां ने, मैं अर्ज कीती सोणियो तुसी अल्लाह दे नबी हो, मैं गुनाहगार दी खाब अंदर किवें तशरीफ लैके आए हो? मेरे नबी ने फरमाया पुत्र शाहे जनान, मैं अपने पुत्र दा रिश्ता तेरे नाल पक्का करन वास्ते आया। शाहे जनान कहंदियां ने मैं खाब वेखे, हजरात कहंदियां ने अख खुल गई, दिन गुजर गया, अगली रात सुते कहंदी ए मेरी अख लग गए, खाब अंदर मैं वे नहीं हूरां दे छुरमट दे अंदर एक सिर तो लैके पैरां तक परदा पोश खातून ने। आप फरमांदियां ने हूरां दे छुरमट दे अंदर जदों परदादार खातून मेरी खाब अंदर आईया, ते मैं हूरां नू पुछनिया ए कौन है? सारियां हूरां यक जुबान हो के कहंदियां ने शाहे जनान अगर पुछियाई ते सुन, हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा। हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा, जो तेरे शौहर से बुग्ज रखे मरीज है ला इलाज जहरा। हुन जेड़ा बंदा अजे तक नहीं ना बोलिया, हाथ चुक के बोलेगा सलाम जहरा, सलाम जहरा, सलाम जहरा, सलाम जहरा, सलाम जहरा। शबीर शब्बर दी अम्मी जहरा, नबी दे घर बिच है जम्मी जहरा, तेरे फाके ते भुख दा सदका, मैं खाना शामे ते दम्मी जहरा। सलाम जहरा, सलाम जहरा, हाथ चुको ते सारे कह लो सलाम जहरा। हजरात शाहे जनान कहंदियां ने जदों परदादार खातून मेरे सामने आईया, ते मैं हाथ जोड़ के अर्ज कीते होरां दे झुरमट दे अंदर आईया, बड़ियां शानां ने थोड़ियां, अपना तारुफ ते कराओ। हजरात सैयदा जारा पाक ने मुस्कुरा के फरमाया पुत्र जेड़ा कल आया से मैं ओदी धी लगनी आ, जेड़ा ना लाया सी मैं ओदी मां लगनी आ। कहंदियां ने अल्लाह तवज्जो, बस जल्दी नाल मैं ज़ैनुल आबिदीन पढ़न लगा। इंज हाथ जोड़ के ना शाहे जनान अगे वधी, ते बीबी पाक ने फरमाया इन्नामा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज़्सा अहलल बैते व युतहिरकुम तत्हीरा। तू अजे कलमा नहीं पढ़िया, मैं मुहम्मद दी धी आ। शाहे जनान कहंदियां ने मैं दूरों खलो के अर्ज की कि जेड़ा कल ख्वाब च आया सी वो तुहाडा पुत्र है? आपने फरमाया हाँ, जेड़ा नबी पाक दे नाल आया सी ना वो मेरा छोटा पुत्र हुसैन है,
ते मैं भी रिश्ते की गल पक्की करन आई हाँ। हुण शाह जनान कहिंदी है मैं ख्वाब अंदर आख्या असी ईरान के शहनशाह वां, मैं ईरान के शहनशाह की बेटी, मेरा बाप भी बादशाह, मेरा दादा भी बादशाह, मेरा परदादा भी बादशाह, मेरा लकड़दादा भी बादशाह, तुसी कित्थों दे बादशाह हो। हजरात बीबी पाक ने मुस्कुरा के फरमाया शाह जनान तेरा खानदान ईरान का बादशाह है, अगर पुछया ते सुन असी जन्नत दे शहनशाह वां। हजरात गल्लां हो रहियां ने, शाह जनान कहिंदियां ने तुसी मुसलमाना दे नबी दी साहबजादे, असां ते कलमा नहीं पढ़िया, ऐ रिश्ता किवें मुमकिन है। जारा पाक ने फरमाया पुत्तर जदों वेला आएगा तेनू आप ही पता लग जाएगा। हजरात हुण वक्त गुजरदा रहा, हजरत अमीर अल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमरे फारूक दे दौरे खिलाफत अंदर ईरान नू फतह कर लिया गया। हुण हजरात यजद जरदियां दुआ बेटियां नू पैरां दे अंदर बेड़ियां पाईयां गईयां, हत्थां अंदर कड़ियां लगाईयां गईयां, इन्हां दे नाल 100 कनीज़े। हजरात इन्हां नू कैदन बना के उमरे फारूक दे दरबार अंदर पेश कीता गया। हजरात गेहान बानो नू भी कड़ियां लगियां ने, शाह जनान नू भी कड़ियां लगियां ने, जड़ी नाल 100 कनीज़े ए भी कैदन बन के हजरत उमर दे दरबार अंदर पेश कीतियां गईयां। हजरात जदों कैदी किसे दरबार अंदर जांदा है कैदी दा मंजर की हुंदा है, हाथ बजे हुंदे ने, अखां नीवियां हुंदियां ने। हजरात हुण 100 दी 100 कनीज़े हाथ बने ने, अखां नीवियां ने, ते गेहान बानो एदे भी हाथ बजे ने, अखां नीवियां ने, अमीरुल मोमिनीन दे दरबार अंदर खड़ियां ने। लेकिन शाहे जनान अपनियां अड्डियां चुक के कदी सच्चे वेंदी है कदी खब्बे वेंदी है। गेहान बानो कहन लगी सैन असी कैदन बन के आईयां वा, खलीफे दा दरबार नजर उची नहीं करी दी। शाहे जनान कहिंदियां ने शहर दी मदीना है, मस्जिद भी नबी दी है, लेकिन जेड़ा ख्वाब अंदर मिलिया से अजे नजर नहीं आ रहा। तवज्जो सारियां दे सिर नीवे थकते नहीं गए, पूरी तवज्जो है, समझ आ रही है। मैं ज़ैनुल आबदीन पढ़ रहा, तवज्जो इंज हथ बन्ने सिर नीवा, लेकिन जिहड़ी शाहे जनान है ना अड्डियां चुक के कदी इंज वेखे कदी इंज वेखे कदी इंज वेखे। इन्ने चिर नूं अब्दुल्ला हज़रत उमरे फारूक दा साहबजादा अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला नूं करीब आए, आ के कहिंदे ने बाबा यज़द जरदियां ने 2 बेटियां, अगर तुसीं आखो ते एक मैं अपनी मलकीयत च ना लै लां। उमरे फारूक दे चेहरे ते जलाल आया, आपने फरमाया पुत्र खामोश, ए बादशाहां दियां धीआं ने शहनशाहां दे निकाह च जाणगियां। ने कहा बादशाहां दियां बेटियां ते तेरे निकाह च नहीं है किसी शहनशाह दे निकाह जाणगियां। हुण मंजर बड़ा अजीब है, इंज शाहे जनान अड्डियां चुके कदी इंज वेखे कदी इंज कदे इंज कदे इंज। उधरों मस्जिद दे दरवाजे चो अली आए, अली दे नाल हजरत इमामे हुसैन। जदों हुसैन पाक ने नज़र पई ना ते गेहान बानों नूं मोढ़ा मार के आंदी है मेरे ख्वाबां दा शहजादा आ रहा है। हजरात जदों अली पाक आए, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमरे फारूक अली पाक नूं कहन लगे या अली जरा अगे तशरीफ लैके आओ। अली पाक अगे तशरीफ लैके आए, हजरत उमर कहिंदे ने या अली अगर थानू इतराज ना होवे ते मैं यज़द जरदे वड्डी बेटे शाहे जनान दा निकाह तुहाडे पुत्र हुसैन नाल करवा दियां। अली कहिंदे ने मैनू कोई
कोई मसला नहीं। हजरात हजरत उमरे फारूक ने इशारा किया, शाह जनान हजरत अली पाक दे करीब आ गई। हजरत उमर ने फरमाया, याद अज तो शाह जनान शाह ईरान दे बेटे तुहाडी बहू बन गई है। हजरात उन छोटी केहान बानो खड़ी है, अमीरुल मोमिनीन दे बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फिर आए, आके कहंदे ने बाबा मैं भी अमीरुल मोमिनीन दा बेटा वा, तुसा एक दा निकाह ते हजरत हुसैन नाल कीता है, हुण छोटी दा निकाह मेरे नाल करवा दिओ। आपने फरमाया, पुत्र खबरदार, मैं तेनू अगे भी दसिया है, बादशाह दियां बेटियां ने किसे शैन शाह दे निकाह विच आउणगियां, अब्बा जान हुण की है। फरमाया, ओए अबू बकर दे पुत्र मुहम्मद जरा अगे आ, उमर दा दिल करदा है छोटी दा निकाह मैं तेरे नाल पढ़ा दियां। तवजो आंदे ने इन्हां च दुश्मनी सी, इन्हां च लड़ाई सी। तवजो फरमाया, पुत्र तू नहीं हुसैन, दूजी यार पुत्र तू नहीं अबू बकर दा पुत्र मुहम्मद। निकाह पढ़िया गया दोनों दे नाल, जिहड़ी 100 कमीज सी ना, हजरत उमरे फारूक ने फरमाया, या अली जी अमीर उल मोमिनीन, फरमाया 100 कमीज भी नाल लै जाओ। जदों 100 कनीज नाल चली ना, ते शाहे जनान मस्जिद चो अजे बाहर नहीं निकलियां, ते शाहे जनान अपनी फारसी जुबान च आंदियां ने, मैं हुसैन दे कदमां तो वार के 90 कनीजा आज़ाद कीतियां। जदों 90 कनीजा होईयां ना आज़ाद, ते हजरत अली ने अंज पिछे परत के वेखे अपनी नूह वल, ते आपने फरमाया, नामे शुमा चेस्त, तेरा नाम की है? सुभान अल्लाह कहना चाहिदा सी। नामे शुमा चीज, तेरा नाम की है? आंदी है, नामे मन शाहे जनान अस्त, मेरा नाम शाहे जनान है, यानी जमाने दियां औरतां दी मलका। हजरत अली ने जदों नां सुनिया ना, ते हजरत अली दे चेहरे ते जलाल आया, आपने फरमाया, शाहे जनान बस दुख्तरे मुहम्मद अस्त। आपने फरमाया, की आखे मैं जमाने दी औरतां दी शाहवा, ओए सुन, शाह जनान बस दुख्तरे मुहम्मद मुस्तफा। उन्हें क्या शाह जनान औरतां दी मलका सिर्फ मुहम्मद दी बेटी है? शाह जनान आंदियां ने, या अली अगर मैं शाह जनान नहीं ते मैं की हां? अली ने फरमाया, तू शाह जनान नहीं, तू शहर बानो है, यानी शहर दी मलका, तू जमाने दी औरतां दी मलका नहीं, बल्कि एक शहर दी औरतां दी मलका है। हुण शाह जनान कहंदियां ने, या अली मैं किस शहर दी मलका वा? अली मुस्कुरा के आंदे ने, जिस शहर दा मैं दरवाजा वा ना। क्या शाह जनान नहीं ते मैनू शहर बानो आखिया जे, पर केड़े शहर दी बानो? फरमाया, जिस शहर दा मैं बुआ वा, आना मदीना तो इल्मे व अलीयुन बाबुहा। फरमाया, मैं इलम दा शहर हाँ, अली उहदा दरवाजा है। तवजो, 90 कनीजा आज़ाद कीतियां, हुण 10 कनीजा लै के बीबी शाह जनान, इहदा नाम हजरत अली ने रखिया शहर बानो, हजरत हुसैन अल चलिया गई। जदों हजरत जैनुल आबदीन की विलादत का वक्त आया ना, तो हजरत अली नू जा के, जो हजरत जैनुल आबदीन की विलादत हुई तो जाके हजरत अली नू मुबारक दिती गई कि अल्लाह ने तुहानू पोतरा दिता जे, तो हजरत हुसैन नू मुबारक दिती गई अल्लाह ने तुहानू पुत्र दिता जे। हुण हजरत हुसैन आए, शहर बानो की गोद चो अपने पुत्र नू चुकया, तो वेख्या सीने ना ला के ना, तो हज़रत अली पाक नू शहर बानो आंदियां ने मौला ना, हज़रत हुसैन नू शहर बानो आंदियां ने मौला मेरे पुत्र दा नां की रखोगे? आपने फरमाया, मैं नां रखांगा अली।
ते शहर बानो आंदियां ने अली क्यों? हजरत हुसैन कहिंदे ने मेरे बाबे दा नाम अली है, अल्लाह मैनू हजार पुत्र भी देगा ना ते हर एक दा नाम मैं अली रख छड्डांगा। तवज्जो गल सिरे लग चली है, बड़े दा नाम अली अकबर, दरम्याने दा नाम अली औसत यानी जैनुल आबदीन, ते छोटे दा नाम अली असगर। जैनुल आबदीन दा मतलब है आबदीन दी जीनत। दुनिया ते को जिड्डा भी वली है ना, जिन्हें ला तदाद नमाजा पढ़िया ने ते ला तदाद इबादत कीतिया ने, ओदी भी इबादत दी जीनत दा नाम जैनुल आबदीन है। ते दूसरा आपका लकब है सैयद सज्जाद, सैयद साजदीन। साजदीन का भी सरदार है ते आबदीन की जीनत है। तवज्जो कहिंदे ने मैं चक्कर अगे ला गया, जो तो दूसरा चक्कर आया ना तो ही बंदा गिड़गड़ा के आंदा है तू रहीम है मैं गुनागार हाँ। कहिंदे ने तीसरा चक्कर लाया तो आंदा है तू रहमान है मैं गुनागार हाँ। कहिंदे ने चौथा चक्कर लाया आंदा है तू तवाब है मैं गुनागार हाँ। आंदे ने सत चक्कर मैं लाए ना ते सत्तां चक्करां च रो रो के माफिया पिया मंगदा है। हजरत हसन बसरी आंदे ने मेरे दिल च ख्याल आया कि मैं वेखा तो सही ऐ कौन है जिहड़ा अल्लाह को एडिया माफिया पिया मंगदा है। ओ लालियां लियो मैं जुमला बोलना है, खुदा की कसम कलेजे फट जाणगे। हसन बसरी आंदे ने मैं करीब जाके बड़ी जुर्रत नाल नकाब चुकिया ते की वेना जैनुल आबदीन है। हाय 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 ओए पांच नमाजा पढ़ के अपने आप नू जन्नत दे ठेकेदार कहण आले हो। एंज फरमांदे ने मैं जदों नकाब चुकिया ते मेरे पैरां थलो जमीन निकल गई, अपने आप नू गुनाहगार कह के रोण वाला कोई होर नहीं इमाम जैनुल आबदीन है। हजरात हजरत हसन बसरी कहंदे ने नाले रोई जांदे ने नाले अल्लाह दी बारगाह दे अंदर इल्तजावा करदे ने ते आंदे ने मौला मैं गुनाहगार हां या अल्लाह तू रहमान है मैं गुनाहगार हां या अल्लाह तू रहीम है। हजरात हसन बसरी कहंदे ने मैं जाके हजरत दे पैर फड़ ले ते मैं रो के आना इमाम जन्नत तुहाडे कदमां दे तुफैल है, इमाम तुसी क्यों इन्ना पे रोंदे हो अपने आप नूं गुनाहगार क्यों आंदे हो। हजरत हसन बसरी आंदे ने हजरत जैनुल आबदीन दियां अखां चो हंजू डिग पे, जैनुल आबदीन सारो कतार रोन लग पे रो रो के। हजरत हसन बसरी आंदे ने जैनुल आबदीन इंज रोए जिवें छोटा जिहा बच्चा अपनी मां दे गल लग के रोंदा है। फरमांदे ने हौकियां दे नाल जैनुल आबदीन रोन लग पए ते रो के आंदे ने हसन बसरे ओए सजना अगर मैं तेनों कोई गल आखा मेरी गल मन लेगा। ओए लालियां दी सर जमीन ते बैठ के जिक्रे अहले बैत सुनने आलियो अज इस मस्जिद दे अंदर बैठ के हजरत इमाम जैनुल आबदीन दा जिक्र सुनने आले हो, इन्हां इमामां दी सीरत वेखो इन्हां दी सीरत ते अमल भी करे आजे। हजरत हसन बसरी कहंदे ने जैनुल आबदीन मैनूं रोक आंदे ने हसन बसरे अगर मैं कोई सवाल करा मेरा सवाल पूरा कर देगा। हजरत हसन बसरी आंदे ने हजूर नौकर की ते नखरा के तुसी हुक्म करो मैं तुहाडा हर हुक्म पूरा करन दी कोशिश करांगा। की गल है तकरीर सुनन दा को मूड नहीं, पिछे की है तकरीर मैं करन दिया तुसी पिछा नूं वेखण दे हो छड्ड दिया।
हजरात हजरत हसन बसरी कहते ने हजूर तुसी हुक्म ते दियो मैं अपनी जान भी थोड़े कदमा तो निछावर कर दियांगा। ज़ैनुल आबिदीन तड़प के आंदे ने ओए हसन बसरी दुआ कर दे अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन दे गुनाह माफ कर दे। ओए हसन बसरी दुआ कर दे अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन दी बख्शिश कर दे। गोया के ज़ैनुल आबिदीन ने सानू दरस दे दिता है कि बेखबर गाफिल न बल अपना ठिकाना याद करे। हजरात हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया ओए हसन बसरे दुआ कर दे अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन दी बख्शिश कर दे अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन नु माफ कर दे। हजरात सुनिया जे तवज्जो नाल पूरी महफल दा हासले कलाम जुमला हजरत हसन बसरी कहिंदे ने ओए लोको जदो ज़ैनुल आबिदीन ने मैनू ए जुमला आखिया हसन बसरे मेरी बख्शिश दी दुआ कर दे हसन बसरे अल्लाह के दुआ कर दे ज़ैनुल आबिदीन दी अल्लाह मगफरत फरमा दे। हसन बसरी आंदे ने मैं हाथ बन ले ते मैं रो के आखिया मौला जे दुआ करा ते गुनागारा जे मैं ना दुआ करा ते मैं खताकार ते ना फरमाना अगर मैं दुआ ना कीते ते ना फरमानी दे जुमरे अंदर आएगे अगर मैं दुआ कीती ते गुनागार बन जांगा। हसन बसरी कहिंदे ने मेरिया अखां चो भी हंजू जारी ने ज़ैनुल आबिदीन दिया अखां चो भी हंजू जारी ने ज़ैनुल आबिदीन रो रो के आंदे ने हसन बसरी बैतुल्ला सामने में काबा शरीफ की दीवार सामने में ते तू अल्लाह दा वली है दुआ कर अल्लाह ज़ैनुल आबिदीन नु माफी दे दे। हसन बसरी आंदे ने लोको मैं अपने हाथ चुके अल्लाह दी बारगाह अंदर अर्ज की थी मौला मैं हसन बसरी ते नाले आज जिन्ने तवाफ पे कर देने ज़ैनुल आबिदीन दी जुत्ती दे सदके सारे आनु माफी दे दे। अल्लाह तवज्जो गौस पाक दी शान है वे के मां दे शिकम च लोहे महफूज ते चलदी कलम दी आवाज सुन लैंदे सन ते गौस दी इबादत दी जीनत भी ज़ैनुल आबिदीन है। बावे फरीद दा लकब है ज़ुहद उल अंबिया बावे फरीद दी इबादत दी जीनत भी ज़ैनुल आबिदीन है। जड़ा कुल वलिया की इबादत की जीनत है ना वह काबे दे कोल खलो कहंदे हसन बसरी दुआ कर अल्लाह मैनू माफी दे दे वेख आजजी अली दे पुत्र दी वेख आजजी हुसैन दे पुत्र दी। तवज्जो आखिरी गल करन लगा और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। बलख अंदर एक बंदा सी जेड़ा शहजादे ज़ैनुल आबिदीन का बचपन का यार सी किबला बड़ी मज़ेदार गल है। हुण इहदा कारोबार की इहने रेहड़ी लाई है ते पिंडां विच जा के ना सब्जी बेचदा है ते रोज़ जिन्नी भी कमाई करे ना उहदे चों एक दिरम उहने गल्ला पाया हर रोज़ एक दिरम चुके ते गल्ले विच सुटे अगले दिन फिर एक दिरम चुके ते गल्ले विच सुटे। इहदी बीवी पुछदी है की करना ई उहने कहा साल विच ने 365 दिन ते मैं 365 दिरम इकट्ठे करके ना अपने मुरशद नूं मिलण मदीने जाना है ते जाके अपने मुरशदा नूं नजराना पेश करना है।
हजराते जी वकार 365 दिन इन्हें जनाब एक एक दिरम जोड़िया अपने खले दे अंदर पाया। हजरात जदों आउण दा वेला आ गया एदा मामूल हर साल आउंदा है पैसे लैके आउंदा है ते आके जैनुल आबेदीन दी बारगाह दे अंदर नजराना पेश करदा है। हजरात एक साल इन्हें 365 दिरम इकट्ठे किते इन्हें गठरी बन ले जदों मदीने शरीफ वल नूं टुरन लगा इहदे बीवी कहिंदी है ओए हर साल अपने पीरां नूं तो तोहफे देना है कदी तेरे पीरां ने तेनूं तोहफा नहीं दिता कदी तेरे पीरां ने तेनूं तोहफा दे के वापस नहीं टोरिया। हजरात तड़प के आंदा है तेरा रे कख ना तू गल बलख अंदर कीती है मेरे मुर्शदा मदीने सुन लईए उन्हें कहा तू मदीने की तू बलख की मेरा ईमान है मेरे मुर्शदा उथे सुन ली होनी है तेरा तीला ना रहे। खैर उन्हें कहा हूं मैं जाना तो वेना की बनता है अपना बिस्तरा बनिया अपनी उन्हें गठरी बनी सिर ते रखी ते मदीने अल टुर पिया। अज मैं तू मदीने जाइए ना ते पैर जमीन ते नहीं लगता पब्बां पार उड़दे ही जाने आ क्योंकि मदीने चले आ। ओ बलख दा जिहड़ा पाजर है उहदा ते पीर ज़ैनुल आबेदीन मदीने च। हजरात उन्हें गठरी अपने सिर ते रखी ते मदीने वल नूं टुरिया ते की आंदा मेरी दाची ते गल विच टलियां मेरी डाची ते गल विच टलियां मैं ता पीर मनावण चलियां मैं ता पीर मनावण चले सारे कह लो मैं ता पीर मनावण अरे चूम लो मुर्शिद के नूरानी कदम और खुद पे आसा राहे जन्नत कीजिए मैं ता पीरे मनावण चले यहां शाना वाले आ पीरा हो। किबला मुफ्ती साहब कुछ दिन सफर करके ना ते मदीने शरीफ पढ़िया हजरत ज़ैनुल आबेदीन की हवेली च गया ते ज़ैनुल आबेदीन ना अगो मुस्कुरा के कहिंदे ने आ गए हैं उची बोलो ओए आ गए हैं। अखे जी हजूर आ गया। फरमाया मैं तेरे वास्ते ना रोटी अज पकाई है ते रज के रोटी खानी आ। आंदा हजूर मैं नौकर आपने ना अंदरों एक लोटा पानी दा भरिया ते आपने फरमाया मेरे नाने दी सुन्नत है रोटी खान तो पहला ना हाथ धोई दे ने तू मेरे तो आ ते मैं तेरे तो आना। कहिंदा मौला तू इमाम है मैं गुलाम हाँ तू मौला है मैं नौकर हाँ मैं तुहाडे कोलो अपने हाथ किवें तो आ सकना। हजरात ज़ैनुल आबेदीन कहिंदे ने तू मेहमान है मैं मेज़बान हाँ मैं तेरे तो आना तू मेरे तो आ। हुण इहदे हाथ तो आए जदों ज़ैनुल आबेदीन दी वारी आई ना इन्हें लोटा फड़ के ना पानी हजरत ज़ैनुल आबेदीन दे हत्थां ते पाया। हजरत ज़ैनुल आबेदीन हाथ धोंदे ने जदों लोटा मुकिया ना ते मुस्कुरा के फरमाया थले वेख की है वेख के आंदा मौला ऐ ते सुरख यकूत ने। हजरात वेख के आंदा मौला ऐ ते सुरख यकूत ने। आपने फरमाया दूजा लोटा भी लैके आ ऐ दूसरा लोटा पानी दा लैके आया ज़ैनुल आबेदीन पाक दे हत्थां ते सुटिया। हजरात आप दा जदों लोटा मुकिया आपने फरमाया थाल च वेख कीए वेख के हैरान रह गया कहिंदा मौला सबद रंग दा जमुरा दे। आपने फरमाया होर लोटा लैके
के आ, तीसरा लोटा लैके आया, फरमाया मेरे हथां ते पानी सुट। हजरात ने पानी सुटिया, जदों लोटा मुकया आपने फरमाया बेलिया हुण वेख कीए, वेख के आंदा मौला हुण सुचे मोती ने। आपने थाल फड़िया फरमाया जिस थैले अंदर मेरे जोगे तिरम लैके आए ओ थैला खोल। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने उस थैले अंदर सारे मोती पाए, सबज रंग दा जमुरद, सुरख रंग दा याकूत ते सफेद रंग दा मोती। हजरत जदो थैले अंदर सुटिया आपने थैला इनू दिता, आपने फरमाया सजना रोटी खा के पलख वल नू जा ते अपनी बीवी नू जा के आखी मेरा मुर्शद कंजूस नहीं बल्कि सखी है इब्ने सखी है। हजरात ऐ ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन दी इबादत दी जीनत, इन्हां चो जिदी भी गल करोगे रातां मुक जांदियां ने, गल्लां मुकदियां नहीं। ऐ पाकां दा खानदान है, इन्हां दी मां पाक, इन्हां दी दादी पाक, इन्हां दी नानी पाक। मैं ऐ दुआ करांगा कि अल्लाह ताला इन्हां पाकां दे सदके अज दी महफल नूं कबूल फरमाए, और जितने भी दोस्त अज दी महफल च आए हो अल्लाह सारयां दा आना कबूल फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।